फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फार इंफ्रारेड सोनार्स के बारे में, जो कॉमनली मेरे पास पिछले 7 डेज से कॉन्टिन्यूसली लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो है दो चीजें। वन, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि जब सोना स्टोन सोना की हीट एंड स्टीम सोना की हीट भी इफेक्टिव है तो फार इंफ्रारेड की जो हीट है उससे कैसे ज्यादा बेहतर है। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों जो तीनों हीट्स, इंफ्रारेड सोना की हीट, स्टोन सोना की हीट एंड स्टीम सोना की हीट, जब एक जैसी है तो ये तीनों का हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट कैसे होता है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले समझना है कि स्टोन सोना जो है वो सबसे पहले हीटर स्टोन्स को हीट करता है, उसकी हीट एयर को हीट करती है और वो एयर हॉट हेयर एयर जो है हमारी स्किन को हीट करती है, तब हमें परस्पिरेशन होता है, पसीना होता है। स्टीम जो है, अगेन स्टीम हीट अप होती है, स्टीम जनरेट होती है, वो हीटेड स्टीम जो उसके फ्यूम्स है वो हमारी बॉडी को हीट अप करते हैं, स्किन को, और हमारे को परस्पिरेशन होता है। मगर इंफ्रारेड सोना, एज की इंफ्रारेड हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। अभी आप कहीं पर भी जाते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंफ्रारेड है। अब नाइट विजन कैमरास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जितनी भी जगह पर इंफ्रारेड मूवमेंट, जो बॉडी की हीट एनर्जी की मूवमेंट है, उससे डिटेक्शन होता है कि कोई इंसान है या नहीं। अगर बॉडी की इंफ्रारेड डिटेक्ट हो सकती है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है। तो अगर उसको एक्चुअली इंफ्रारेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, जैसे इंफ्रारेड ड्रॉप होती है बॉडी का सर्कुलेशन लो हो जाता है, ऑर्गन्स को अच्छा ऑक्सीडाइज ब्लड नहीं मिलता और ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीडाइज ब्लड नहीं मिलने से जो बीमारियां दिखाता है कोई भी ऑर्गन, अगर हमें उसे रिवर्स करना है तो हमें ऑक्सीडाइज ब्लड उसको देना पड़ेगा, जो कि हमारे को इंफ्रारेड बॉडी की इंक्रीज करने से होता है, जो कि हम इंफ्रारेड सोनास में बैठ के पा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी की हीट है वो इंफ्रारेड सोनास में जनरेट हो रही है और वो दोनों आपस में प्लग इन हो रहे हैं, इसलिए वो लो टेम्परेचर पर स्टोन सोना को हमें 90 डिग्री टू 110 डिग्री तक हीट अप करना पड़ता है, तब जाके वो हमारी स्किन को इफेक्ट करता है और हमें परस्पिरेशन होता है। इंफ्रारेड से ना 40 से स्टार्ट होके 60 तक मैक्सिमम, इतने में ही हमारी बॉडी के अंदर इंफ्रारेड रेस पेनिट्रेट हो जाती है उस हीट के साथ। कैसा होता है कि जो सोर्स से हीट निकलती है उसके साथ इंफ्रारेड रेस निकलती है, वो फ्लक्स ऑफ रेस, और वो स्प्रेड आउट हो जाता है जैसे कि सनलाइट, जैसे सनलाइट स्प्रेड होती है ऐसे ही रेस स्प्रेड होता है। और हमारी यूएसपी है कि हमारे केबिन्स के अंदर बायो सिरामिक कोटिंग है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता है। ये वो 26 अर्थ एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अगर उनको हीट मिलती है, दैट इज 36.9 जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल हीट मिलती है वो भी एमिशन शुरू कर देता है। जब ये आप एक केव में बैठे हैं, एक ऐसे एनवायरमेंट में बैठे हैं जिसको लो हीट मिलता है सरफेस और वो भी एमिट करता है, प्लस हीटर्स एमिट करते हैं, तो ये आपको एक 360 डिग्री एमिशन ऑफ फार इंफ्रारेड रेस का एक एनवायरमेंट मिल जाता है जो बॉडी हर एक सेलुलर लेवल तक उसको रीच करवाती है ताकि वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सके। तो ये आज के टाइम में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर आपने बहुत सारे कोर्स भी पढ़े होंगे और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे ट्रेनर्स भी इसमें काम करते हैं कि किस तरह से हम टाइम को शॉर्टन कर सकते हैं स्मार्ट वर्क से। उसी तरह से हम जब इंफ्रारेड डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और दूसरा सोना एंड स्टीम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, दैट इज हार्ड वर्क, स्टिल यू आर एबल टू डू इट, बट जब इंफ्रारेड में टाइम शॉर्ट में इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, पेन्स का पेशेंट है, उसको सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो अगर वो 5 to 7 days कॉन्टिन्यूसली इंफ्रारेड लेते हैं तो बहुत इजीली चढ़ पाते हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो आप डायबिटीज हमारी मशीन में बिफोर एंड आफ्टर इंस्टेंटली 30 मिनट्स में रिजल्ट दे सकते हैं, जहां पे 10% ड्रॉप होता है और वो रिपीटिवली जब करते हैं तो 400 लेटर से अगर किसी का लॉग 400 चल रहा है तो वो विद इन 10 डेज
280, 200 एंड 150 तक आ जाता है। और मैंने ऐसे लोग जिनको ऐसा फायदा हुआ है उनको इनवाइट किया है हमारे क्लिनिक पर, हम बहुत जल्दी उनके टेस्टिमोनियल्स लाइव उनके मुंह से सुनवाएंगे कि किस तरह से उनकी बॉडी में चेंजेस आए। सेकेंड थिंग इज दैट कि लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग टोटली सिरामिक बेस्ड मशीन्स क्यों बना रहे हैं, हम लोग कार्बन हीटर्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। कार्बन हीटर्स के अंदर फ्रेंड्स बहुत ही हाई ईएमएफ है। ये आप कभी भी बाय करना चाह रहे हैं कार्बन हीटर बेस्ड इंफ्रारेड, तो अपने साथ एक ये ईएमएफ मीटर जरूर लेके जाइए। आप ईएमएफ जो हाई ईएमएफ बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत हाई लेवल पे लेके जाती है, सेलुलर एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है और हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को एक्टिवेशन करता है। आज आप कहीं भी वर्ल्ड में जाएंगे तो आप ये लोग देखेंगे कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, वो होटल्स एंड मोटल्स में जब रात को सोते भी हैं तो अपने साथ एक ईएमएफ मीटर रखते हैं और चेक करते हैं कि रूम के कौन से पार्ट में सबसे लोएस्ट ईएमएफ है और वो लोग वहां पर सोते हैं। और आप इंफ्रारेड के अंदर जब आपकी बॉडी हेल्थ के लिए जा रहे हैं और आप चारों तरफ से कार्बन हीटर्स का इंफ्रारेड के साथ साथ हाई ईएमएफ भी बॉडी आपकी कंज्यूम कर रही है, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय जो है नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे कर रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कार्बन हीटर्स नहीं यूज करते। अगर हम कोई बोलता है कि भाई उसका सराउंडिंग टेम्परेचर सब तरफ से मिलता है, तो जो कोटिंग लगा हुआ है वो हीटर होने के बाद आप इंफ्रारेड गन से चेक कर सकते हैं कि इंफ्रारेड गन आप पूरे कैबिन में जहां पर भी चेक करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी इस गन से। यू कैन सी कि आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो मेंटेन है और वो फार इंफ्रारेड एमिशन 7:14 माइक्रोन्स वेवलेंथ देने के लिए एकदम अनुकूल है। तो अभी हम बात कर रहे थे ये दो चीजों के लिए। तो अब आपको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन हीटर एंड सिरामिक हीटर, बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड वी आर यूजिंग दिस सिरामिक हीटर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस, अभी हम एक एक करके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के साथ इंफ्रारेड कैसे काम करता है, डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, एक एक चीज को स्लाइसिंग करके हम बताएंगे। तो कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। अब हम फार इंफ्रारेड को नेक्स्ट लेवल पे और हेल्दी इंडिया के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है। पैंडेमिक के बाद जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हैं, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वॉर हुआ है फ्रेंड्स। वॉर के अंदर क्या होता है, वॉर के अंदर देश की इकोनॉमीज खराब होती हैं, लोग मरते हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिलती, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो वही तो हुआ है फ्रेंड्स। अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने दूसरी कंट्रीज को अपना कॉम्पिटिटर या एनिमी समझती हैं और उनको ये समझ में आ चुका है कि इस तरह से हम किसी भी कंट्री को या किसी भी देश के किसी भी पर्टिकुलर हिस्से को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसको फाइट करने के लिए, बायोलॉजिकल वॉर्स को जीतने के लिए कोई भी चीज अगर हमारा साथ देगी वो है हमारी हेल्थ। हम अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम कोई भी चीज फाइट कर सके। और इसके लिए जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है हमें अंडरस्टैंड करना है फार इंफ्रारेड साइंस को, कि वो हमारे साथ कैसे काम करता है विदाउट एनी मेडिसिन साइड इफेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। You got it.